और भाई तुम्हारे बड़े कुछ भी नहीं काम से यार लोगों को ये कौन सा एरिया है आपका? ये सुल्तानशाही वाल्मीकि नगर आता, सुल्तानशाही मैतरवाड़ी है, वहाँ के समाज के लोग जो मैतर कम्युनिटी के वाल्मीकि। आप जो प्रेजेंट यहाँ पर जो ठहरे हुए, ये एरिया लोकेशन क्या था? ये कुबड़े का कुबड़ा डिवीजन आता, कुबड़ा डिवीजन आता। तो आप इसमें नुमाइंदा की नहीं किए? इसमें मैं लेटर भी दिया, GHMC कमिश्नर से भी मिला, GHMC के कमिश्नर साहब सिर्फ फोन पे बात कर रहे, कुछ बोले तो मैं सर्वे में हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। आप जेसी साहब से मिलिए बोल के बता रहे, पर जेसी साहब क्या है, लेटर लेके बाजू लगा ऐसा दिख रहा मेरे को। और 2 से 3 बार मैं भी पूछा, बातचीत किया उनसे, साहब काम हो रहा बोल के बताया। मैं ट्विटर पे भी उनको हैशटैग में भी टैग किया तो हूँ, वहाँ से रिप्लाई है, अंडर बोले सैंक्शन हुआ, फाइल चल रहा है काम बोल के बता रहे। पर 2 साल होता ज्यादा फाइल सैंक्शन होने की। इसके लिए आप स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार साहब को जो ट्वीट किए क्या? मैं किया तो हूँ साहब, मैं उसमें भी ट्वीट पे ट्वीट किया तो हूँ, और मैं जहाँ पर करना है हेड ऑफिस में बताया तो हूँ मैं GHMC के। पर यहाँ पर जो काम रोका गया है, काम हो रहा नहीं है, या काम करना ही नहीं चाह रहे हैं, या किसी के दबाव में या किसी पार्टी के दबाव में ये काम नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई पार्टी दलित का लेवल लगाकर चलती है, और दलितों के साथ ये अन्याय, ये अत्याचार, क्योंकि दलित लोग ही यहाँ पर आते हैं, उनको पता है। और एक कम्युनिटी कैसा है, एक सफाई कर्मचारी कम्युनिटी जो सबका मैला उठाती है, सबकी गंदगी साफ करती है, उसको तो खास तौर पे स्पेशल ग्रेड में देखना सरकार का एवं समाज का कर्तव्य बनता है। वो लोग आज ये समाज को दूर करने का कारण क्या है, ये समाज का काम करना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जो समाज का नाम लेते हैं वो दलित समाज का लेते हैं, जय भीम का नाम लेते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेके सभी पार्टी सामने आ रही है, पर उसी की कम्युनिटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। वो ये परिस्थिति हमारे यहाँ पर जो कब्रिस्तान है, जिसके अंदर जाने के बाद वहाँ पर किसी को आत्मा की शांति मिलती है, वैसी जगह पर यह कचरा इस तरीके से पड़ा हुआ है। यहाँ के जो अगल बगल में लोग रहते हैं उनको कितनी बीमारी नहीं होगी, आप भी देखिए, ये कचरा कई महीनों से, कई सालों से उठाया नहीं जैसा दिख रहा है। यहाँ पर एक डंपिंग यार्ड के जैसा इसको यूज कर किया जा रहा है, और क्या है, यहाँ पर भी अंदर भी देखिए कितनी बुरी परिस्थिति है, बाउंड्री भी टूटी है कब्रिस्तान की। इसके डेवलपमेंट के बारे में यहाँ की सरकार क्या है, बाहर जाकर के बड़ी बड़ी बात कहती है कि हम लोग ये डेवलप कर रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट देखो साहब कितना अच्छा है यहाँ पर, ये KTR साहब कर रहे थे डेवलपमेंट है, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव कर रहे थे डेवलपमेंट है, या MIM पार्टी द्वारा मिला गया साथ में मिलकर काम करने का डेवलपमेंट है। साहब बोलिए, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं तो वो लोग करते हैं। यूपी इलेक्शन में यहाँ के MIM के असदुद्दीन साहब जाके यूपी इलेक्शन में, हमने हैदराबाद को इतना डेवलप किया है, उतना डेवलप किया, तेलंगाना में हम मिलकर काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का इतना काम कर रहे हैं। वो तो ये देखो ना साहब, यूपी वाले को, जनता को मैं ये वीडियो आपके जरिए भिजाना भी चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ की वीडियो मैं भी सुना हूँ। हैदराबाद फुल डेवलप हो गया बोल के यहाँ पर MIM के असदुद्दीन साहब MP साहब वहाँ पर बता रहे हैं, ये इस तरीके का हैदराबाद डेवलपमेंट है। देखो आप, ये वीडियो आपका पूरे हिंदुस्तान में पहुंचना चाहिए सब आपके जरिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन से MLA आते हैं? ये चंदन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी का आता, यहाँ के MLA साहब, आप चंदन गुट्टे का नाम सुने तो आप सुने भी होंगे, दोनों भाइयों की पार्टी है MIM पार्टी, उसमें से छोटे भाई जो उनके अकबरुद्दीन अवैसी है उन्हीं का कॉन्स्टिट्यूएंसी है।
उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है कि ये परिस्थिति आप भी देख रहे हैं, इतना नीट, इतना साफ सुथरा तरीके से यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। शायद यहाँ पर कोई दूसरा आया तो बैग में भर के घर के शोरूम में भी लगाने लायक कचरा पड़ा हुआ है। मैं अकबरुद्दीन साहब से कहना चाहूँगा कि ये कचरा अपने घर के सामने पड़ा हुआ होता, अगर आप कोरोना से कई महीनों गायब हो गए, जनता से पब्लिक में गायब हो गए थे आप, कोरोना में पब्लिक में मिलकर भी काम नहीं किया आपने, पब्लिक से मिलने से आपको कोरोना की बीमारी लग रही थी, पर पब्लिक जो कचरे में रह रही है उनको कोई बीमारी नहीं लगेगी क्या साहब? क्या उनकी हेल्थ खराब नहीं होगी? इस तरीके का माहौल रहा तो इससे क्या बैक्टीरिया पैदा नहीं होंगे? अगल बगल में जो यहाँ पर छोटे बच्चे भी रह रहे हैं, जो यहाँ पर पब्लिक रह रही है, उनको कितनी असहूलियत हो रही है, उसके ऊपर आपने कभी गौर किया है साहब? आप कभी भी एसी की कार में घूमते हैं, कभी उतर के पब्लिक के बीच में इस तरीके की तकलीफ देखे तो आपको पता चलेगा साहब। अकबरुद्दीन साहब, आप खाली दूर से बोल दें कि तेलंगाना डेवलप हो गया, हैदराबाद डेवलप हो गया तो नहीं होता। केसीआर साहब, मैं आपको भी कहना चाहूँगा ये चैनल के जरिए कि आप तेलंगाना डेवलपमेंट के बड़ी बड़ी जो बात खींच खींच कर बताते हैं, आप ही का एरिया है, आप ही के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आप ही के जो अलायंस पार्टी है उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। कम से कम आपके पास असेंबली में बड़ी बड़ी डींगे भर रहे थे, कहाँ गया साहब वो डींगे भरना? केसीआर साहब, आप तो देख रहे थे ना स्पीकर के सामने परसों असेंबली में, विधानसभा में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि वो डेवलपमेंट किया, ये डेवलपमेंट किया। देखिए डेवलपमेंट आपके सामने है साहब। मुख्यमंत्री साहब, ये भी आपका म्यूनसिपल डिपार्टमेंट का ही है, इसका बनाया हुआ देखिएगा, इसका कोई मेंटेनेंस करने वाला नहीं है, इसको देख रेख करने वाला नहीं है। अगर यहाँ पर भी कुछ उनका मलमूत्र जो जाएगा उसको ऊपर हाथ धोने के लिए पानी वगैरह की सप्लाई होनी चाहिए थी, टांकी बिठानी चाहिए थी, टांकी वगैरह इसमें नहीं बिठाई गई है। टांकी बिठाई सिर्फ वहाँ पर कम्युनिटी हॉल के ऊपर बिठाई, उसको वाटर बोर का पंप भी दिया, वो पंप सिर्फ नाम के वास्ते दिया, पानी भी नहीं आ रहा है उसके अंदर, और करंट सप्लाई भी बंद पड़ी हुई है उसकी। नाले में से डुबा के लेना पड़ता था, कैसा है वो तो नाले का पानी हम लोग यूज करना ऐसा है हाथ धोने के लिए। ये डेवलपमेंट है आपका? कभी भी हिंदू शमशान वाटिका में जब भी शमशान वाटिका अंतिम संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार करने के बाद जब बाहर निकलते हैं हाथ मुंह धोकर के बाहर जाना होता है, पानी नहाना होता है, और दूसरी शमशान वाटिका में वहाँ पर ही पानी नहा करके कपड़े बदल के कपड़े छोड़ करके जाए जाते हैं। तो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। ये तो रिसेंट लगाया सा दिख रहा ना, ये तो रिसेंट लगाया था, अब इसको खाली सिर्फ नाम मात्र के लिए ला के छोड़ दिया गया है। स्पेशली इसके लिए एक आदमी बैठना चाहिए, साफ सुथरा करने के लिए भी डेली एक होना चाहिए, और पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, वो कुछ नहीं है। जब व्यवस्था नहीं रहेगी तो रख के फायदा क्या है? यहाँ पर आपके ये शमशान घाट में एक एग्जाम्पल जो है, महीने में कितने ऐसे लोगों को आप लोग जो है मतलब जैसा कब्रस्तान में तदफीन बोलते हैं, तो यहाँ पर कितने जनों को आप लोग जलाते, कितने का? कम से कम यहाँ पर देखो साहब, यहाँ पर बस्ती एक ये दलित समाज की बस्ती का कब्रस्तान है, और हिंदू शमशान वाटिका में कम से कम यहाँ से एक 12 से 13 लोग यहाँ पर महीने का, वो तो एक थोड़े लोग आते हैं यहाँ पर साहब, ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल सकते उस बारे में। फिर भी क्या है, यहाँ पर आने का कारण क्या है, अंतिम यात्रा यानी कि अंतिम समय पर यहाँ पर आया जाता है, पर उसी समय पर उनको शांति नाम दी जाए तो कितना दुविधा होगी साहब उनको। म्यूनसिपल डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण ही एवं यहाँ पर बाउंड्री नहीं होने के कारण, गेट नहीं होने के कारण, इसकी देख रेख नहीं होने के कारण ही यहाँ पर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स यानी कि कुछ गलत तरीके के शरारती लोग यहाँ पर आके दावत वगैरह करते हैं, यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी भी की जा रही है अंदर, और यहाँ पर क्या है, शराब की बॉटलें भी आपने देखी हुई कब्रस्तान के अंदर, शराब की बॉटल भी फेंक कर जा रहे हैं जहाँ, और यहाँ पर क्या है, गांजा और सिगरेट वगैरह ज़्यादा पी जाती है, और यहाँ पर आप लोग देख भी रहे होंगे वहाँ पर पत्थर भी है, यहाँ पर पकाया हुआ है, यहाँ पर पत्थर रख करके वो लोग पका के लेकर जाते हैं, पका कर खाते हैं यहाँ पर शराब गांजा। जब तक बाउंड्री नहीं होगी, उसको हद नहीं होगी, तो इस तरीके गलत तरीके की एक्टिविटी चलती रहेगी। नाला अब देखिए, बाबा नगर और फलकनुमा वट्टेपल्ली वगैरह से निकलते हुए, अलियाबाद से निकलते हुए, वहाँ से लाल दरवाज़ा और गोलीपुरा, ये पूरा जितना भी है, और छत्रीना के भी आप जो परिस्थिति देखते होंगे, बारिश आने के समय फुल पानी भरता है, और भरने का पूरा जितना भी पानी निकल करके यहाँ पर आ रहा है, ये पानी पूरा जब बाढ़ आई थी यहाँ पर हेवी, आपको पता होगा 2 साल पहले बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ में जितना हेवी वाटर यहाँ से गया था, इतना ज़्यादा पानी गया था, आसपास के घर भी तड़क गए थे, घरों में पानी घुस गया था। उस समय सरकार ने जो घर में पानी गया था उनको 10-10 हज़ार देने का वादा भी किया था, कुछ जो जेन्युइन लोग हैं वैसे लोगों को 10-10 हज़ार तो मिले नहीं,
पर जितना भी नुकसान हुआ उसका नुकसान सरकार ने उस समय पर क्या किया था, काम करके दिया था, उन्हें काम करने की उनको वादा भी किया था। और कब्रिस्तान का ही वही हालत है, जो पानी का प्रेशर आया था, पानी के प्रेशर से क्या हो गया, यहाँ पर बाउंड्री वॉल थी, बाउंड्री वॉल और यहाँ पर गेट वगैरह पूरा टूट गई और भीतर भी देख रहे पानी वगैरह भर गया था। और उस समय डिपार्टमेंट के काफ़ी लोगों ने यहाँ पर सर्वे भी किया था, सर्वे करने के बाद यहाँ पर देखा भी था, ये ब्रिज को बनाने का 6 महीने में 3 महीने में बनाकर देने का वादा भी किया था, पर उन्होंने बनाया नहीं। शमशान घाट से आने का मेन रोड है ये, देखिए जब मैंने शुरुआत में बताया था वहाँ से बताया था, जो शमशान को मौत मट्टी करने के लिए यहाँ पर लाश लाई जाती है, ये मेन रोड है, यहाँ से लेकर जाया जाता है, कम से कम 40 से 50, 60, 70 लोग होते हैं उसके अंदर। अब कितनी दुविधा नहीं होगी साहब यहाँ पर लेके आने के लिए, आप भी देख रहे होंगे, ये ब्रिज को टूटकर 2 साल हो गए और यहाँ के म्यूनसिपल डिपार्टमेंट को और हेड ऑफिस को भी काफ़ी बार कंप्लेंट दी गई है, और जो कम्युनिटी समाज का ये कब्रिस्तान है वो कम्युनिटी के बड़े लोगों ने भी वहाँ पर जाके पर्सनली रिक्वेस्ट भी की, उतना रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उनके कान पे आज तक भी कोई जुए नहीं रेंग रही है। एवं मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा जो यहाँ पर इतनी तकलीफ हो रही है, यहाँ के लोगों को इतना, जो दलित समाज के लोग यहाँ पर अपने मौत मट्टी लेकर आते हैं, उनके लिए आप लोग काम कीजिए। यानी आपका बोलने का मतलब है कि जो है तेलंगाना हुकूमत जितने वादे कर रही है, जितनी बात कर रही है, यानी इंसान के आखिरी वक्त जो मुस्लिम में जो है दफनाया जाता, आपके हिंदू समाज में जो है जलाया जाता, तो वैसे वक्त में भी तेलंगाना में जो है सुकून नहीं है, यही बताना चाह रहे हैं? वही बताना चाह रहा हूँ, वैसे समय पर भी सुकून नहीं है। तो ये सारा डेवलपमेंट, ब्रिजेस वगैरह सारी चीजें वेस्ट बोलने का, आखिरी वक्त में किसी को, जब आदमी जब मरता है उसको शांति मिलने के लिए क्या ऐसी जगह पे आता है, उसको लेकर आया, ये ऐसा मालूम हो रहा है ये कोई अपन दूसरे बॉर्डर्स पे है वैसा दिख रहा है, बिल्कुल साहब, ये उधर से इधर वो, तो ये कितना ब्रिज है, हम आपको हमारे चैनल के जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि केटीआर साहब लॉकडाउन में वायर ब्रिज बनाए कुकटपल्ली में, वायर ब्रिज बन गया, लेकिन ये आपका इतने ब्रिज के आखिर ऐसा कहाँ से मटेरियल आ रहा है, ऐसे क्या जो है इंस्ट्रूमेंट आना है, या क्या जो है कंपनी बहुत ऐसी जिस तरीके से जेएमआर वगैरह, जो जेएमआर एयरपोर्ट वगैरह बनाए या ब्रिजेस बनाए, तो ऐसी कोई बड़ी कंपनी को तो ये पुल बनाने का नहीं है, कोई बहुत बड़ा ब्रिज है क्या है आप लोगों के लिए? देखिए तेलंगाना सरकार का एक मिशन चल रहा है, जहाँ जहाँ पर तालाब थे, जहाँ जहाँ पर नाले थे, उसको स्वच्छ करके उसके ऊपर कई हजारों करोड़ रुपये खर्चा किए उन्होंने, पर वो हजारों करोड़ रुपये हजारों करोड़ ला के क्या इसमें थैलों में डाल दे रहे पानी में, ये हजारों करोड़ रुपये लगाए हुए है जिसकी वजह से आज ये ब्रिज भी टूटा हुआ है, हजारों करोड़ रुपए का ये वजन नहीं संभाल सका साहब ब्रिज 2 साल पहले, ये ब्रिज को कितने हजार करोड़ लग सकते हैं, ये लगते होंगे साहब, सुनहरा तेलंगाना चल रहा है, 5000 करोड़ लगते हैं इसको साहब, आपको ये पता है, सरकार को ये पता है साहब कितना लगता होगा कितना नहीं लगता होगा, पर मैं बताना चाह रहा हूँ जितना भी लगता है कम से कम शांति से कोई मर रहा है, कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिले वैसा तो भी प्रयत्न कीजिए। केटीआर साहब, केसीआर साहब, मैं आपसे टीआरएस सरकार से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि कम से कम ऐसे समय पर भी आप साथ न दिए तो किस तरीके का सरकार साहब कहाँ तक सरकार रहेगी, सरकार ऐसी रहनी चाहिए कि ऐसे समय पर आड़े हाथों खड़े रहने चाहिए, पर यहाँ पर क्या है, सरकार ने अपने हाथ धो लिए हैं साहब। मैं इतना गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके जरिए, चैनल के जरिए ये मैसेज मेरा वहाँ तक पहुँचाने की आप कृपया कीजिए।